मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भरतपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 की। सबसे बड़ी खबर यह है कि UG PG फाइनल की एग्जाम की तारीख फिक्स हो चुकी है, डेट आ चुकी है एग्जाम की और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे और टाइम टेबल कब जारी होने वाला है UG PG फाइनल का। साथ साथ बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के लिए भी और जो एग्जाम सिलेबस किस प्रकार आने वाला है, पेपर आपका कितने घंटे का रहने वाला है। तो आइए देखते हैं जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में। यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए देखते हैं जो नोटिफिकेशन आया है यानी कि अखबार में जो खबर आई है उसके बारे में। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रज विश्वविद्यालय 18 अगस्त से हो सकती है UG PG की परीक्षा, 18 अगस्त से हो सकती है UG PG की परीक्षा। और देखें यहाँ पे जो पूरी डिटेल से खबर है, ब्रज विश्वविद्यालय की ओर से UG PG की परीक्षा 18 अगस्त से हो सकती है। जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा, परीक्षा का टाइम टेबल भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। यानी कि आपके पास बहुत समय कम है, 7 दिन का भी समय नहीं। यानी कि अरुण कुमार ने पांडे ने बताया कि परीक्षा 16-17 अगस्त से भी किसी भी एक दिन भी हो सकती है, यानी कि 16 से भी स्टार्ट हो सकती है और 17 से भी स्टार्ट हो सकती है और 18 से भी स्टार्ट हो सकती है। तो तारीखें शुरू हो जाएंगी 16-17-18, यानी कि 3 तारीखों में कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। वैसे लास्ट तो 18 बता रखे कि 18 से तो स्टार्ट होने ही वाले हैं। 1-2 दिन में परीक्षा कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा, 1 या 2 दिन में टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भरतपुर धौलपुर के परीक्षार्थियों के लिए केंद्र 73 बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों पर स्नातक स्नातकोत्तर के 36,000 विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं। यानी कि UG PG की एक साथ परीक्षा होगी जो भी 18 अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी कि 16-17 अगस्त 16-17-18 तीनों में डेट, किसी में डेट में भी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। टाइम टेबल 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी उसके बाद में 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले। और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। आपको जैसे एक पारी में के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे एक पारी में, यानी कि 2 पेपर होंगे और तीसरा जो भी पेपर आपका वो नेक्स्ट डे में होने वाला है। और सिलेबस आपका 50% रहेगा, 50 यानी कि आधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसके आधे आपको करने होंगे। और पेपर जो यानी कि एडमिट कार्ड है उस पर भी आपको लिखा जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन करना है, सब चीज़ आपको एडमिट कार्ड पे लिखा जाएगा। तो वहाँ पे जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और भी। और तो यहाँ पे जो पहली बात यह है कि आपको आधा पेपर करना होगा, यानी कि 50% करना होगा, उसी के हिसाब से आपको पेपर हल करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके समय समय पे। धन्यवाद।